आपने कई ऐसी कहानियां सुनी होंगी जिसे सुनकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया होगा और आप भी ऐसे लोगों को सलाम कर रहे होंगे। आज ऐसी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं सैयदा सलवा फातिमा की, जो कि 34 साल की है। कभी पढ़ाई जारी रखने के लिए फीस भरने का पैसा नहीं था, स्कूल से नाम कटने वाला था। आज वही बेटी हिजाब पहनकर प्लेन उड़ा रही है। फातिमा के पापा प्यार से उन्हें मिरेकल गर्ल बुलाते हैं। उनकी जिंदगी में मिरेकल होते भी रहे हैं। ईश्वर का दूत बनकर उनकी मदद के लिए कोई ना कोई फरिश्ता हर बार उतर आया। इससे ना फातिमा की पढ़ाई छूटी और ना ही उनका सपना टूटा। फातिमा की कहानियां संघर्षों से भरी है। पुराने हैदराबाद में पली बड़ी फातिमा इस शहर की पहली वुमन कमर्शियल पायलट है। फातिमा का बचपन हैदराबाद के मोगलपुरा के उस इलाके में गुजरा जहां आज भी कई लोगों को पीने के पानी तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फातिमा देश की उन चंद मुस्लिम महिलाओं में से है जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है। उन्हें कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। हिजाब पहनकर कॉकपिट में बैठने के बाद वो सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के बारे में सोचती हैं। पिता सैयद अशफाक अहमद उन्हें प्यार से मिरेकल गर्ल बुलाते हैं। इसके पीछे कारण भी है। न्यू स्कूल एजजा हाई स्कूल में पढ़ते वक्त फातिमा की पढ़ाई तकरीबन छूटने के कगार पर थी। फीस न जमा हो पाने के कारण उनका नाम स्कूल से कटने वाला था, लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल अलीफिया हुसैन ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने 2 साल फातिमा की फीस अपने पास से भरी। फातिमा 4 बच्चों में सबसे बड़ी थी। पिता बेकरी में काम करते थे। उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि बच्चों की सभी जरूरतें पूरी की जा सके। सेंट एंड जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट करते वक्त दोबारा पैसों की किल्लत फातिमा के सामने आई। कॉलेज की फीस जमा न होने के कारण फिर उनका नाम कटने को था। फीस न दे पाने वाले बच्चों की कतार में वो खड़ी हुई थी। तभी एक टीचर की उन पर नजर पड़ी। उन्होंने फातिमा की फीस भरने का फैसला किया। इस तरह दूसरी बार उनकी जिंदगी में फरिश्ते की एंट्री हुई। फातिमा बताती है कि वो निजी तौर पर उन टीचर को जानती नहीं थी, ना ही कभी उन्होंने फातिमा को पढ़ाया था। इसके 1 दशक बाद फातिमा ने तेलंगाना एविएशन अकेडमी में पहली बार सेना स्क्वाहा उड़ाया। अभी एक टॉप एयरलाइन में फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर एयरबस 320 उड़ाती हैं। जल्द ही वो A380 विमान उड़ाने वाली है। एविएशन इंडस्ट्री ग्लैमर से भरी हुई है। इसमें ज्यादातर पैसेंजर भी खास वर्ग से होते हैं, लेकिन हिजाब पहनकर प्लेन चलाने में से वो कभी शर्मिंदा नहीं होती। वो कहती हैं उन्हें आसमान की ऊंचाई खींचती थी। वो हमेशा से एक पायलट बनना चाहती थी। ये और बात है कि वो कभी भी प्लेन का टिकट नहीं खरीद सकती थी। ये देखिए कि मेरी पहली फ्लाइट पैसेंजर सीट पर नहीं कॉकपिट से हुई। फातिमा की शादी हो चुकी है। वो 2 बेटियों की माँ है। छोटी बेटी 6 महीने की है। किसी भी फ्लाइट को आसमान में ले जाते वक्त वो एक बात नहीं भूलती, वो ये कि कॉकपिट में आते ही उन्हें सब कुछ भूल जाना है, पूरा फोकस प्लेन पर रखना है। वो कहती है कि उनके माता पिता, पति और सास ससुर हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे हैं। यही कारण है कि वो अपने सपनों को जी सकी। वो खुश नसीब थी। फातिमा कहती है कि बेटियों को पढ़ाना है और हैदराबाद में अपना घर बनाना उनकी शीर्ष प्राथमिकता है। वो खूब मेहनत करेंगी ताकि उनकी बेटियों को वो सब ना देखना पड़े जो उन्होंने देखा।